भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है, तो वहीं तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इस बयान से किनारा करते हुए दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई कर दी है। बावजूद इसके अभी भी इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद में भी आज शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ ही सियासी जमात के लोगों ने शहर इमाम की क़यादत में एक ज्ञापन मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। शहर इमाम ने कहा कि जो गुस्ताखी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजकर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कल यानी जुमे की नमाज के बाद बाजार को बंद करने वाले आह्वान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनके मुताबिक किसी सियासी, गैर सियासी या मजहबी जमात के साथ ही किसी कारोबारी जमात की तरफ से कोई बंद का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने अपील की है कि आपसी भाईचारे की मिसाल पैदा करते हुए शहर में अमन सुकून का माहौल कायम रखें। वहीं एडीएम सिटी आलोक वर्मा के मुताबिक शहर इमाम की जानिब से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जुमे की नमाज जामा मस्जिद में हमेशा की तरह अदा की जाएगी। जो इन 2000 ने हमारे साथ हम पे गुस्सा है, उसके खिलाफ मर्डर किया जा रहा है, उसके अंदर जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं और उनको बस रहते हुए उनको जरूर जेल भेजा जाए और कड़ी सजा दी जाए। दुनिया के मुसलमान खुदन मुराबाद के बहुत दुखी हैं, गुस्से में हैं, ज़्यादा पूरा मुसलमानों का और अकल का तहफ़ किया जाए और सूरत से हमारी मांगे जो लिखी गई हैं वो पहुँचाए जाए, उन पर अमल किया जाए। और बाला जहाँ तक ये बंद का सवाल है, किसी की तरफ से ये बंद कल नहीं होगा। आप नमाज जुमे की पढ़ें, अपने घरों को जाएं, अल्लाह से दुआ मांगे और आपस में इतिहास पाक रखें और अमन तरीके से रहें, पूरा तरीके से घर जाएँ। बंद का कोई सवाल नहीं है, शहर अब पूरा अमन खुला रहेगा। किसी सियासी जमात की तरफ से, गैर सियासी जमात की तरफ से, मुस्लिम तंजीम या फिर तिजारती शोबे की तरफ से कोई आह्वान किया गया? नहीं, कोई अपील नहीं। बंद का कोई आह्वान नहीं किया गया, किसी तरफ से नहीं किया गया। कुछ गलत टिप्पणियाँ कर दी गई थी, उसी का रोष पकड़ करते हुए इमाम साहब ने हमको एक ज्ञापन दिया है। बहुत सारे लोग थे, इमाम साहब भी थे, नायब इमाम भी थे, कुछ एक अब्दुल पंचायती साहब थे, बहुत सारे लोग थे। किसको मैं बाई नेम बाई फेस भी जानता हूँ, किसको वैसे ही जानता हूँ। बताएं सर, मेमोरेंडम किस वजह से दिया है? वही विरोध था कि जो उन्होंने पैगंबर साहब को कुछ शब्द कहे थे उसी का विरोध प्रकट करने के लिए। क्या कहा गया सर मेमोरेंडम में? तो अभी तो बिल्कुल मैं अभी लेकर के ही आया हूँ, अभी मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, ऑफिस जाके देखता हूँ क्या क्या उन्होंने लिखा है उसमें। जैसा कि आपने इमाम साहब से खुद ही ली होगी बाइट, उसमें इन्होंने खुद कहा है कि कल किसी भी तरह का बंद नहीं है, हर आदमी जुमे की नमाज में आएगा और नमाज पढ़ने के बाद सीधे सीधे अपने घर चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। देखिए सिर्फ एक चीज़ है कि आप वहाँ पे ध्यान न दें, वैसे जैसी रूटीन में व्यवस्था हमेशा होती रही है जुमे को लेकर के, वैसी व्यवस्था है। कुछ खास तैयारी सर करके नहीं, हम लोग ऑलरेडी उतनी तैयारी ले करके चलते हैं हर चौराहे पे, चाहे वो जियाजी चौराहा हो या जामा मस्जिद चौराहा हो, हर चौराहे पे फोर्स भी रहती, मजिस्ट्रेट भी रहते, हर जुमे को रहते, कल भी रहेगा। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।